अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट सिरप। आपको कुकीज का या फिर केक का बेकिंग करने का शौक है तो बस ये इंग्रेडिएंट आपके पास जरूर से होंगे, तो बस बनाते हैं चॉकलेट सॉस। तो सबसे पहले हमने ली है चीनी, जिसको हमने पीस लिया है, और ये पिसी हुई चीनी घर में होती ही है, तो बस हम ये डाल लेते हैं। 4 टेबल स्पून है हमारी ये पिसी हुई चीनी, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डाल लेते हैं, 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर है, और इसको करते हैं पहले थोड़ा मिक्स। मिक्स करने के बाद 4 टेबल स्पून पानी डाल देते हैं, इसको डाल के भी मिक्स करते हैं। थोड़ा सा इसमें बटर जाएगा, बटर इसे बहुत अच्छी सी एक शाइनिंग देगा, और जिस चीज पे भी आप कोट करेंगे बाद में एक अच्छा सा क्रश देगा। तो पहले इसको मिक्स करते हैं, और जब अच्छे से मिक्स हो जाए, देखें इसमें एक भी लम्स नहीं है, तब इसके अंदर 4 टेबल स्पून पानी और डाल दें, और इसको अब पकने के लिए चढ़ाते हैं हम। उबाल आने तक थोड़ा सा आप इसको चलाते रहें। बस इसमें उबाल आ गया है, और अभी दिखाते हैं आपको। मीडियम फ्लेम है हमारा इसकी थिकनेस। आप इसको इस टाइम चखे जरूर, आपको लगे कि आपके मुताबिक चीनी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत ज्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो आप इसमें थोड़ी सी आइसिंग शुगर डाल सकते हैं, पिसी हुई चीनी। और ये देखें अभी थोड़ी सी पतली है, लेकिन ये ठंडी होने के बाद हो जाएगी एकदम से थिक, यानी ये ऐसी होनी चाहिए जो किसी चीज पे आप डालें, आइसक्रीम वगैरह पे, तो ये पिघले लेकिन बहुत तेजी से टपकनी नहीं चाहिए। तो बस ये हमें ऐसी ही चाहिए थी। उबाल आने के बाद आप इसको 1 से 1.5 मिनट भी पकाएं। बस ये जो बटर है ये आप डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून के करीब होगा बटर। बस इसको मिक्स होने देते हैं, और बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाएगी, जबकि ये मार्केट में बहुत ही महंगी मिलती है। बटर डालने के बाद देखें कितनी बढ़िया सी इसमें आ गई है शाइनिंग। ये देखें कितनी बढ़िया हमारी ये चॉकलेट सिरप तैयार हुआ है। आप इसको चखें जरूर। वैसे इसके अंदर कॉर्नफ्लावर की आएगी नहीं जरा सी भी, लेकिन आपको लगे कि कॉर्नफ्लावर की स्मेल है तो थोड़ा सा और पका लें। बस हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं, फिर दिखाते हैं इसकी थिकनेस। ये देखें कितनी बढ़िया सी तैयार हुई है ये चॉकलेट सिरप हमारा। ऐसे गिरना चाहिए ये, इससे पतला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे थिक भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसको अभी तो हम इसमें निकाल लेते हैं, फिर बाद में इसको भर के हम रख देंगे बोतल में। इसके अंदर हमने कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, इसलिए आप इसको फ्रिज में रखें 2 वीक। प्रिजर्वेटिव डालता है इसके अंदर तब जाके ये 3 मंथ रह पाता है। ये देखें कितनी अच्छी सी दिख रही है ये, जैसी आपको दिख रही है बस ये वैसी ही तैयार हुई है। तो हम इसको आइसक्रीम के ऊपर डाल देते हैं। फिलहाल तो ज्यादा थिक हो जाती है आपकी ये चॉकलेट सिरप, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जरा सा पानी, यानी के 2 टेबल स्पून पानी डाल के आप इसको थोड़ा सा पका लें, तो फिर ये तैयार हो जाएगा इस तरीके का। और हमने लिया है कोको पाउडर, खुला किसी ब्रांड का नहीं लिया है हमने, ये बहुत ही अच्छा होता है, तो बस ये बेकरी वाले लेते हैं वो है। तो इस तरीके से बनाएं आप ये चॉकलेट सिरप, हमारे तरीके से बनाएं, जरूर से बनाएं, और फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अल्लाह हाफिज़।